क्या हो रहा है, सब गिर रहा है। मैं हो गई हूँ रेडी। तो गाइस कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर चुकी हूँ। कहाँ गया इसका कवर? यहाँ है। मैं शावर लेके आ गई हूँ। मेरे हेयर ड्राई नहीं हुए हैं। इसको ड्राई करना है। एक्चुअली इतनी मतलब इतनी गर्मी पड़ी है ना यार, योगा करने से डेली मतलब डेली मेरे को ना हेयर वॉश करना पड़ता है, डेली ऑयलिंग करना पड़ता है, क्योंकि योगा करती हूँ और स्वेट हो जाता है बाल। तो बाल तो स्वेट हो जाता है ना, चिप 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 चिप, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चाहे जो भी हो, बाल रहे ना रहे, बट मैं डेली वॉश करती हूँ। अभी इतना मतलब इतनी गर्मी है ना कि इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है, और स्वेट लेके ना अजीब स्मेल भी आता है, फिर चिपचिपा होता है। इसलिए मैं ना डेली वॉश कर लेती हूँ, ऐसे ऑयलिंग करती हूँ फिर वॉश करती हूँ। तो आजकल ऐसे ही चल रहा है मेरा। और आज मैं ये सारे रिक्वेस्ट पे पहनी हूँ, और आज मैं आप लोगों का बहुत सारे रिक्वेस्ट कंप्लीट करूंगी इस वीडियो में, जहां तक पॉसिबल हो सके, और जो सब मुझे याद है वो सब सभी रिक्वेस्ट में कंप्लीट करने को ट्राई करूंगी। और जिस किसी का रिक्वेस्ट अगर छूट गया ना, तो आप लोग बता देना कमेंट सेक्शन की मेरा रिक्वेस्ट छूट गया है, आप कंप्लीट कर देना नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं आज जितना मैक्सिमम ट्राई करूंगी कि रिक्वेस्ट कंप्लीट करूं। तो सबसे फर्स्ट रिक्वेस्ट जो था, ये साड़ी का रिक्वेस्ट था, जो मुझे बहुत आ रहा था। तो ये साड़ी मैं बहुत बार ब्लॉग में पहन चुकी, बट फिर भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी इस साड़ी का। तो मैं सोचा था यहीं से स्टार्ट किया जाए इस वीडियो को। तो मैं ये साड़ी रिक्वेस्ट पहनी हूँ इस ब्लॉग के साथ। बहुत सारे ब्लॉग में ये साड़ी पहनी हूँ, बट आज मैं रिक्वेस्ट पे पहनी, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहा था, तो रिक्वेस्ट कम्प्लीट करना मेरा तो फर्ज बनता है। तो मैं रिक्वेस्ट कम्प्लीट कर रही हूँ, मतलब स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग का रिक्वेस्ट कम्प्लीट करना। तो अच्छी लग रही है साड़ी। जब भी मैं ये साड़ी पहनती हूँ ना, मुझे मतलब बहुत फ्रेश फील करती हूँ खुद को, तो अच्छा लग रहा है। कलर तो ईस्टर कलर का है, जो ऑरिजिनल कलर आ नहीं रहा है। कोई नहीं, आप लोग देखिए ओरिजिनल कलर इसका क्या है। तो अभी कुछ मतलब सिल्वर सिल्वर ज्यादा आ रहा है, यहाँ लाइट आ रही है ना इधर से, इसीलिए। तो मैं शावर लेके रेडी हो गई हूँ, रेडी हुई नहीं हूँ, हाफ रेडी हुई हूँ, जो अभी बस थोड़ा बहुत करी हूँ। और आज मैं बिंदी भी ब्लैक कलर की लगाई हूँ, फर्स्ट टाइम मैं ब्लैक कलर की बिंदी लगाई इतनी बड़ी सी। तो स्टार्ट कर दी हूँ रेडी हुआ ना, अब आप लोगों के साथ बातें करते हुए मैं रेडी होंगी। तो सबसे पहले मैं लाइनर लगाई, बिंदी लगाई, लिपस्टिक लगाई, और अब मैं ये इयररिंग अभी तक कुछ नहीं पहनी हूँ। तो मैं देखती हूँ कौन सा इयररिंग मैं पहनूँ। हाँ, ये मुझे मिल गया है, तब मैं सोच रही हूँ ये पहनूं। बीचे ना मैं ये पहनना एकदम ही छोड़ देती, बट मुझे फिर से जब से चेन, हाँ यार फिर से मेरा जो गोल्ड का चेन है ना यार, जहां से ज्वाइंट है ना, वहीं से बार बार वो टूट रहा है। एक बार मैं आप लोगों के साथ, जब मैं ससुराल गई थी ना, मैं अपने ससुराल वाले ब्लॉग में शेयर करी थी कि मेरा चेन टूट गया, और फिर से वो चेन वही मतलब जहां से टूटा था ना वहीं से टूट गया। अब लगता है मुझे उसे ना एक्सचेंज ही करना पड़ेगा। कब कर रही हूँ, अब इयररिंग कौन सा पहनूंगी वो सोच रही हूँ। तो आज का तो मेरा फेवरेट ना यही हो गया है, यही इयररिंग। आप लोग मैक्सिमम मुझे ब्लॉग में यही देखते होंगे पहने हुए, बट आज नहीं पहनूंगी, बहुत पहन रही, बहुत पहनूंगी फिर बोर हो जाऊंगी, फिर पहन नहीं पाऊंगी आगे। तो आज ये नहीं पहन, तो ये इयररिंग भी नहीं पहनूंगी। ये तो मैं लास्ट टाइम पहनी थी। कौन सा पहनू, कौन सा पहनू सोच रही हूँ। ये पहनू क्या, ये अच्छा लगेगा इसके साथ, हाँ अच्छा लगेगा। चलिए आज यही पहन लेती हूँ, बट ये ना सूट की कुर्ती सबके साथ ज्यादा अच्छा लगेगा आज। अच्छा नहीं लग रहा है, ये पहनी थी शायद, चलो आज ये पहनती हूँ, क्योंकि इसमें ना ये ब्लू है, ये देखो। तो आज ये पहन लूंगी, क्योंकि इसमें ना ब्लू है हल्का सा, देखती हूँ कैसा लगेगा पहन के। अच्छा लगेगा तो पहनूंगी, नहीं तो क्यों ना मुझे ना। और यार ये भी मिली थी, अच्छा लगेगा क्या इसके साथ, अच्छा लगेगा क्या, लग सकता है। पति देव किधर से ना आंसर आया, लग सकता है, तो देख लेते हैं लगा के। नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, देखिए जरा इसमें अच्छा नहीं लगेगा इसके साथ। ये अच्छी लगेगी शायद। मुझे पता नहीं आजकल क्यों शौक चला हुआ है बड़ी बड़ी इयररिंग पहनने का, ये अच्छा लग रहा है। कोई नहीं यार, बाहर नहीं जाते हैं तो घर पे ही तो सर सबर के रहना पड़ेगा। नहीं ये मत बोलना कितना बड़ा बड़ा इयररिंग घर पे पहन क्यों रखती है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। आजकल मैं पहनने लगी बड़ी बड़ी बड़े 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 इयररिंग्स, ये मैं कभी नहीं पहनी, इतना बड़ा ये भी खड़ी थी ना, आज तक मैं ये नहीं डाली हूँ कभी। अच्छा तो लगे
लगेगा यार ये, क्योंकि ब्लैक ब्लाउज पहने, ब्लैक ब्लाउज के साथ अच्छा जाएगा ये। देखो जरा, कभी कभी ना मुझे बहुत अच्छा लगता है मतलब चेंज कर करके पहनना। कभी पहनी नहीं हूँ ना मैं आज, लगता है आज फर्स्ट टाइम मैं पहन रही हूँ ये वाली। ये खरीदे हुए काफी टाइम हो गया, शायद आप लोगों के साथ शेयर भी करी होंगी किसी ब्लॉग में, बट आज तक पहनी नहीं हूँ मैं। अरे देखते हैं पहने कैसा रहेगा ये। अरे मुझे सब कुछ ब्लैक ब्लैक करने का मन कर रहा है, बट इसके साथ अरे आज ना सेफ्टी पिन मिला नहीं, अब पल्लू मेरा बार बार सरक रहा है, समझ नहीं आ रहा है, मैं आज कंफ्यूज हूँ कौन सा ईयरिंग अच्छा लगता है कौन सा नहीं।갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going 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 crazy. I'm going 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 crazy. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어. I'm going 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 crazy. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어보. 눈보기 했니 어미라? प्लांट में मैं सुबह पानी डाली थी, सब में रात में भी डाली थी और सुबह भी डाली थी, क्योंकि ना बहुत तेज मतलब बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, सुबह शाम पानी डालना पड़ रहा है और सब प्लांट मेरा बाहर ही रह गया। एक्चुअली ना पता नहीं कैसे टाइम निकल जाता है, समझ नहीं आता है। सो इस सबको मैं रखूंगी अंदर। ओहो कितनी गर्मी है यार, इतना हेवी हेवी प्लांट है ना, और सबको मैं धूप में ही भूल जाती हूँ। डेली मतलब पानी देती हूँ तब तक मुझे याद रहता है कि इसे पानी डाली हूँ, अंदर जाना है धूप लगने से पहले, और ये धूप में रह जाता है। सो मैं अभी जितना भी प्लांट है ना बाहर सबको अंदर करूँगी। सब एक भी मतलब सब इंडोर प्लांट है ना, थोड़ा सा भी धूप लगने से देखो इसका लीफ जो है ना तुरंत येलो होने लगता है। और ये प्लांट ना बहुत लकी प्लांट होता है, ये जीजी प्लांट। कौन सा लगाया ये प्लांट बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला प्लांट। चलिए इसको मैं जगह पे लगा दूँ, ये प्लांट मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे मम्मा ये ड्रेन हो ही रहा है अभी, मैं ले आई, कोई नहीं इसको मैं यहाँ लगा दूँगी। हाँ 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 अकेले आके ये देखिए किस किस को पीना है, आ जाइए। ओपन करने से फर्स्ट बार मुझे मिला है। ये है किचन का प्लांट। हाँ ये है किचन का प्लांट, क्योंकि ना इसका ऑयल पड़ गया है ना इसके ऊपर, ये देखो इसको मैं रखूंगी यहाँ, जाएगा ये यहाँ। और ये जाएगा यहाँ, मेरे गणेश बैठा है यहाँ।
लास्ट रह गया एक, ये किचन वाली, ये देखो रोप भी लगा है इसमें, इसको मैं किचन में लगाऊंगी। और ये किचन वाली इसको मैं यहाँ लगा दूंगी। एक्चुअली ना, एक्चुअली मैं सबको रात में बाहर रख देती हूँ, रात में अच्छी तरह से पानी मतलब शावर देती हूँ सबको, उसके बाद मॉर्निंग में भी देती हूँ। और अभी धूप होने से पहले सोचती हूँ कि लेके आ जाऊँ, बट धूप लग ही जाती है थोड़ा ना बहुत, काम में बिजी हो जाती है, बिल्कुल ही भूल जाती हूँ। आज इसको, इस फोटो को पेंट करूंगी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी कैसे मैं पेंट करूंगी। हाँ, हो गया सही ढंग से। तो मम्मी आज पीछे में क्या बनाई है पीछे, चलिए दिखाते हैं। बनाई है फिश करी। किस किस को फिश करी खाना है, आ जाओ। वाओ, यम्मी सा लग रहा है। और मम्मी फिश करी बना के रख दिया, मुझे पता भी नहीं था, सरप्राइज दिया। आज एक्चुअली मैं जब सावर देने गई थी तो ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेकफास्ट करके मैं सावर देने गई थी और आई हूँ तो फिश करी बना हुआ है। मन खुश हो गया यार, बस मुझे राइस बनानी है अभी। तो चलिए मैं राइस बना लेती हूँ, उसके बाद हम लंच करेंगे। राइस तो मैं भिंगो के गई थी, बस उसको डालना है कुकर में। और अपना फेवरेट बना हुआ देखो तो मन खुश हो जाता है ना, वही बात मन खुश हो गया यार देख के। अभी मैं लंच करूंगी और लंच करने के बाद मुझे बहुत सारा काम है। लंच करने के पहले बहुत सारा काम था और लंच करने के बाद भी बहुत सारा काम है। एक्चुअली मुझे ना थोड़ा स्विंगिंग करना है सिटिंग हॉल का, क्योंकि इस मंडे को मेरा सिटिंग हॉल में स्विंगिंग हुआ नहीं, तो आज करूंगी। चलिए हम जा रहे हैं लंच करने, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, बोल दिया हम नहीं आएंगे, हम लंच करने जा रहे हैं। ना जी ना, हम ना आएंगे, चलिए लंच करके आते हैं। I dare you to fix me, I'm crossing the line again, falling. सो गाइज, मेरा सब काम हो गया है, लंच भी हो गया है, जो भी कपड़े वॉश में लगाने थे वो मशीन में लगा के आ गई हूँ। और यहाँ जो मैं जो बेडरूम में रायता फैला गई थी ना, उस रायता को समेटने का ना भी मुझे टाइम मिला है। तो जो भी मॉर्निंग में मैं रेडी हुई थी, वीडियो शूट करी थी, वहाँ प्रेस रखा हुआ है, जो ब्लाउज प्रेस करी थी, वो सब फैला हुआ था ऐसे बेडरूम में, तो सबको मैं समेटूंगी तो, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा टाइम है, उसके बाद फिर से मैं बिजी हो जाऊँगी। तो आज रेस्ट करने का बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला मुझे, मतलब नहीं मिलेगा मुझे आज रेस्ट करने का टाइम। तो आप लोग जो भी मेरे चैनल पर न्यू हो, पहली बार मेरी ब्लॉग देख रहे होंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और साइड में जो दिया हुआ बेल आइकन है ना, उसको भी प्रेस करके रखना, ताकि फ्यूचर में मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूँ ना, आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो गाइस, मैक्सिमम कुछ को मैं जगह पे लगा दी, एक वीडियो बनाने के चक्कर में पूरा फैल जाता है। गाइज, मैं आज सब कुछ गिराते पिराते, मतलब सुबह से जो स्टार्ट हुआ ना गिरना मेरे हाथों से, सो लास्ट होते होते एक पानी का बोतल टूट गया मेरे हाथों से, और एक प्लेट, रात होते होते एक प्लेट भी फाइबर का था वो टूट गया। मतलब आज ना टूटने का दिन था, गिरने का दिन था, पता नहीं आज कैसा दिन था मेरा। तो गाइज़, मैं आज जल्दी किचन आ गई हूँ, क्योंकि जितने भी बर्तन सबको जगह पे लगाने के बाद, चाय बनाने के बाद, मुझे कहीं कुछ काम था, तो मतलब कुछ काम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, और हड़बड़ लगी हुई है मुझे जितना भी काम है ना ख़त्म करने का। तो चलिए मैं चाय बना देती हूँ, फिर आप लोग से बातें करती हूँ। चाय तो मैं बना दी, बट हड़बड़ में गड़बड़ कर दी, एक बोतल मैं आज तोड़ दी, ओटीपी आया होगा। और मैं जा रही हूँ, और बहुत देर बाद आप लोगों से मिलूंगी। अब मैं आज वो पानी का एक मेरा जो ग्लास का बोतल था ना, आप लोग देखे होंगे, वो आज बेचारा गया काम से, टूट गया मेरे हाथों से। इतना अफसोस हुआ ना, मैं बहुत दिन पहले उसको खरीदी थी और बहुत अच्छे से रखी थी संभाल संभाल के। आज मैं ना पानी ग्लास में रखी और प्लेट लेने गई कि मेरा ये जो है ना ये एल्बो ये लग गया उस बोतल में, गया आज टूट गया। बहुत ही अच्छा लगता था मुझे वो बोतल, कोई नहीं दूसरा दे दूंगी। चलिए मुझे अभी काम है, मैं कहीं जा रही हूँ, बाय, तब तक के लिए।